आईपीएल 2000 सीजन के शुरू होने से ठीक पहले सीएसके की कप्तानी सौंप दी गई रविंद्र जडेजा को। एमएस धोनी अभी तक कप्तान थे और चार बार वो चैंपियन बना चुके थे टीम को। उसके बाद जडेजा पर भरोसा जताया गया, लेकिन महज 8 मैचों में कप्तानी करने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। फिर से कमान गई धोनी के हाथों। हालांकि इस कप्तानी एपिसोड का जो नुकसान है वो सीएसके को उठाना पड़ा और वो टीम, डिफेंडिंग चैंपियन टीम, इस सीजन में प्लेऑफ की होड़ से बाहर हो गई। चार बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान एमएस धोनी अब 40 साल के हो चुके हैं। ऐसे में सीएसके एक युवा टैलेंट की तलाश में है जो लंबे समय तक टीम की कप्तानी कर सके। एक लॉन्ग टर्म कैप्टन चाहिए इस टीम को। अब एमएस धोनी के बाद कौन है वो खिलाड़ी जो लॉन्ग टर्म सीएसके टीम का कप्तान बन सकता है, इसके बारे में टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने बताया है। वीरेंद्र सहवाग ने नाम लिया है सीएसके के धाकड़ ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ का। सहवाग के मुताबिक ऋतुराज गायकवाड़ और एमएस धोनी में कई सिमिलैरिटीज है, समानताएं हैं दोनों में। सहवाग ने एक क्रिकेट शो में बात करते हुए कहा कि ऋतुराज महाराष्ट्र टीम की कप्तानी करते हैं और वहां पर बड़े चुपचाप तरीके से वो खेलते हैं। भले ही वो शतक लगा लें, लेकिन वो कभी इसे दिखाते नहीं हैं। अगर वो कभी शून्य पर भी आउट हो जाएं तो उनका जो बर्ताव है वो वैसा ही रहता है। उनके चेहरे को देखकर कभी नहीं लगता कि वो शतक लगाने से खुश हैं या फिर शून्य पर आउट होने से दुखी है। काफ़ी धोनी स्टाइल के उनके हाव भाव के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग। और ये भी कहा कि वो शांत है, उनके पास कंट्रोल है और एक अच्छा कप्तान बनने के ये सब जो गुण होते हैं वो उनके पास मौजूद हैं। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कप्तान रह चुके हैं और ऐसे में उनके पास किसी मैच को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का पूरा एक्सपीरियंस है। उनके पास इस बात का आइडिया भी है कि परिस्थिति के मुताबिक किसे गेंदबाजी देनी है और किसे बल्लेबाजी पर भेजना है। अब देखिए, परफॉर्मेंस और टेम्परमेंट तो ठीक है, लेकिन लक फैक्टर नाम की भी जो चीज़ होती है वो सबके पास नहीं होती है, धोनी के पास देखी गई है। अब वो कैसे आएगी, इस पर भी सहवाग ने बात की। देखिए, यहाँ पर सहवाग ने कहा है कि भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो बहादुर होते हैं। लक फेवर्स द ब्रेव जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है। और सहवाग ने कहा कि एमएस धोनी एक बहादुर कप्तान है। उनमें एमएस धोनी के सभी गुण हैं गायकवाड़ में, एक को छोड़कर, और वो है भाग्य की। उसके बारे में वो कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि उनका जो भाग्य है वो भी एमएस धोनी जैसा होगा या नहीं। आपको बता दें, गायकवाड़ जो हैं वो 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। ये जो सलामी बल्लेबाज है वो 635 रनों के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज था और ऑरेंज कैप का भी होल्डर थे। हालांकि गायकवाड़ का बल्ला इस साल उतनी जोर से नहीं गरजा, फिर भी चेन्नई के लिए सीजन 15 में 313 रनों के साथ वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। खैर, क्या वो कप्तान बनाए जाएंगे? बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि शायद गायकवाड़ जो हैं वो एक अच्छा ऑप्शन, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आप वीरेंद्र सहवाग की इस राय से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? क्या आप समझते हैं कि गायकवाड़ सीएसके के कप्तान बन सकते हैं, या कोई और नाम भी आपके दिमाग में है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।